फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैंगो खीर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट की और आसानी से बनने वाली ऐसी ये मैंगो खीर है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं ये मैंगो खीर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मैंगो खीर बनाने के लिए दो मैंगो लिए हैं, अच्छे से पके हुए मैंगो लिए हैं मैंने ये। तो ये मैंगो मैंने अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिए है। अब हम ये मैंगो जो है इसका छिलका उतार कर इसे बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइस में हमें पतला पतला ऐसा कट कर लेना है। किस तरह से करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके छिलके उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये मैंगो के छिलके उतार लिए है। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ये लंबे लंबे स्लाइस में, बिल्कुल पतली पतली लंबे लंबे स्लाइस में ये इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से हमें ये कट कर लेना है। तो ये खीर बनाने के लिए हमें मैंगो जो है थोड़े से कड़क ऐसे मैंगो लेने हैं। ज्यादा पके हुए जो आम है वो नहीं लेने हैं, कड़क आम हो गए तो बहुत ही अच्छे से हम ये कट कर पाते हैं। मैंने ये मैंगो जो है लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। इस तरह से हम ये कट करते हैं तो जब हम खीर खाते हैं तो मुंह में इस तरह से ये स्लाइस आते हैं तो बहुत ही बढ़िया ऐसी टेस्ट आती है। तो इसीलिए हमें इस तरह से ये मैंगो जो है वो कट कर लेने हैं। तो टोटल मैंने ये दो आम जो है वो कट कर लिए है। अब हम एक साइड मैंने यहाँ पर दूध उबलने के लिए रख दिया था तो मैंने यहाँ पर गाय का दूध लिया है, फुल फैट गाय का दूध लिया है 1 लीटर। ये अच्छे से मैंने उबाल लिया है, इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये जो दूध मैंने उबालने के लिए रखा है इसमें हम आगे की जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देंगे। तो ये जो मैंगो है ये हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पर दूध भी उबल चुका है। अब हम इसमें, यहाँ पर मैंने ये 3 टेबलस्पून चीनी ली है तो चीनी ऐड करेंगे। और 1/8 टीस्पून मैंने यहाँ पर जायफल की पाउडर ली है। इस तरह से मैंने जायफल जो है वो कूट कर रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैंने 5 से 6 इलायची जो है इन्हें भी अच्छे से कूट कर लिया है कूटनी में। और कुछ केसर के धागे लिए है और मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए है। इसमें मैंने कैजूस, बादाम और पिस्ता लिए है। ये मैंने लगभग 1/4 कटोरी लिए है। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स और केसर, इलायची और जायफल ये सब हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे और दूध को हम और 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें, हमने जो ये इलायची और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ये सब इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, केसर, इलायची और जायफल, ये सब हमें इसमें ऐड कर देने हैं। और दूध को हमें अब कंटिन्यूअसली चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है दूध। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये दूध जो है 5 मिनट के लिए और उबाल लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून चीनी यूज की है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये पूरी चीनी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 2 मिनट के लिए ये दूध में मीडियम फ्लेम पर उबाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने और 2 मिनट के लिए ये दूध जो है वो उबाल लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी और ये दूध जो है इसे अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें हमने जो मैंगो कट कर लिए थे वो ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंगो मैंने कट कर लिए थे तो ये हम इसमें पूरे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें एक सा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये खीर अच्छे से एक से कर ली है। अब हमारी ये मैंगो खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम ये खीर जो है इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये मैंगो खीर बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है, बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि पूछिए मत, इतनी टेस्टी होती है। तो एक बार आप इस तरह से ये खीर अपने घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।